मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू सब्जेक्ट मैथमेटिक्स ऑफ फोर्थ क्लास. स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3, रिवीजन वर्क. चैप्टर 3 है हमारा स्टूडेंट्स एडिशन. ओके, एडिशन मतलब जोड़. एडिशन, वी हैव लर्न हाउ टू ऐड नंबर्स इन आवर प्रीवियस क्लासेस. बच्चों, आपने सीखा था प्रीवियस क्लासेस में जब आप थर्ड में थे कि हमें नंबर्स को कैसे हम ऐड करते हैं. इन दिस क्लास, आप इस क्लास में स्टूडेंट्स, वी शैल डेवलप ऑन नंबर एडिशन सेंस एंड लर्न हाउ टू ऐड नंबर्स विद रीग्रुपिंग. अब आप ये सीखेंगे कि हम रीग्रुपिंग में किस तरीके से नंबर को ऐड करते हैं. एडिंग टू डिजिट नंबर्स, कविता परचेज 28 एप्पल्स एंड 25 ऑरेंजेस. कविता ने जो है 25 और एप्पल परचेज किया है और 25 ऑरेंजेस. हाउ मेनी फ्रूट्स डिड ही परचेज ऑल टूगेदर. तो स्टूडेंट्स ने टोटल कितने जो है चीज़ें परचेज की, टोटल उसका क्या होता. हम दोनों जो भी क्वांटिटी दोनों को हम प्लस कर देंगे. स्टेप 1, एट द वंस रीग्रुप एज नीडेड. सबसे पहले उसे हम ग्रुप में इस तरीके से करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से उसे हम रीग्रुप ग्रुप में करके फिर उसको हम ऐड करेंगे. 5 और 8 जो है स्टूडेंट्स कितना होगा, 13 का हम 3 लिखेंगे, वंस पार्ट लिखेंगे हम, जो इधर वाला पार्ट है टेंस पार्ट वो हम कैरी करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, अब उसको हम प्लस कर देंगे 2, 2, 4 और 1 जो कैरी है उसको, तो 5 हो जाएगा हमारा. इसी तरीके से स्टूडेंट्स, अब हमें एडिंग 4 डिजिट नंबर्स. अब हम 4 डिजिट नंबर्स को हम किस तरीके से ऐड करेंगे, यहाँ पे ये बताया गया है. देखिए, 4 डिजिट का जो नंबर होता है उसको पहले हम ग्रुप में करेंगे, देन उसको हम प्लस कर देंगे. राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, जो उसका प्लस आएगा उसमें जो नंबर आएगा उसको हम कैरी वाला, अगर नंबर होगा 2 डिजिट का नंबर होगा तो हम कैरी करेंगे नेक्स्ट नंबर पे, यदि नहीं है तो हम डायरेक्ट वहाँ नंबर लिख देंगे. देन इसका प्लस करेंगे, अगर कैरी वाला 2 डिजिट वाला नंबर आया तो हम कैरी करेंगे, अदरवाइज नहीं आया तो हम डायरेक्ट कंटिन्यू करेंगे. इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज दिया गया है स्टूडेंट्स हमें 3.1, ये देखिए. यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमारा एक्सरसाइज दिया गया है इस तरीके से, 4 डिजिट के नंबर दिए गए, इनको प्लस करना है. जैसे 4 और 6 आपका 10, तो 0, 1 आपका कैरी, 3 to 5, 1 कैरी, 6. अब हमारा 2 डिजिट वाला नंबर नहीं आया तो हम डायरेक्ट हमने ये 6 आया तो हमने 6 यहाँ ही लिख दिया. 7, 1, 8, 8 और 1, 9. ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन को कम्प्लीट करना है एडिशन 4 डिजिट वाले. क्वेश्चन नंबर 2 है आपका बी पार्ट, एड. इधर आपको 3 में दे रखा है, इधर बट आपको 2 डिजिट में दे रखा है. तो 4, 2, 6, फिर 6 में हम 3 प्लस करेंगे तो 9, फिर जो कैरी आएगा वो 2 डिजिट वाला नंबर है तो हम यहाँ पे कैरी चढ़ाएंगे. 5 और 8, 13 और 1 कैरी है तो कैरी, नहीं है तो फिर हम डायरेक्ट लिख देंगे. ओके स्टूडेंट्स, इसको इस तरीके से कंप्लीट करना है आपको. एक्सरसाइज 3.1 का स्टूडेंट्स आप सभी अपनी रफ कॉपी में करके प्रैक्टिस करेंगे ऑल क्वेश्चंस.